अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बता रही हूँ कि शॉवर हेड जो है उसको कैसे अनक्लॉग करते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरा शॉवर है, ये बहुत ज़्यादा क्लॉग हुआ हुआ है। इसके जो पोर्स या जो होल्स हैं इसके, जहाँ से पानी बह रहता है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना बंद हुआ हुआ है, ब्लॉक हुआ हुआ है, जिसकी वजह से इसमें से पानी सही तरह से आता नहीं है। इसको खोलने के लिए आपको सिर्फ एक शॉपर या प्लास्टिक बैग चाहिए होगा। आप नॉर्मल वाला शॉपर भी या प्लास्टिक बैग यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा सिरका, किसी भी ब्रांड का, और मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ। और आपको चाहिए होगा लिक्विड, जो बर्तन वॉश करने का लिक्विड होता है, अगेन किसी भी ब्रांड का हो। और ये है जी मेरे पास बेकिंग सोडा। ये चीज़ें सबके पास घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। आपने इसमें पानी डालना है शॉपर में, जैसे मैंने इसमें पानी डाला है, और इतना पानी डालेंगे कि इसमें शॉवर हेड जो है ना वो डिप हो जाए। इसके बाद हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे, 2 to 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने तकरीबन 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है। और उसके बाद हम इसमें लिक्विड शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सब चीज़ें जो है ना आपस में मिक्स हो जाएं। बहुत इजी तरीका है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं भी पता तो उनको मैं बता देती हूँ। ऐसे आपने उसको ऊपर की तरफ करके ना, उसको आपने ऊपर बांधना है किसी भी धागे से, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ से, आप उसको ना जिससे आप इजीली बांध सकते हैं ना, आप उसको बांध दें शॉपर को, उसके ऊपर हेड के ऊपर लगा के ना उसको बांध दें, ताकि वो सारा डिप हो जाए इस पानी में, इस लिक्विड में ना शॉवर हेड डिप हो जाए। आधा घंटा आपने इसको इसी तरह रखना है। आधे घंटे बाद जब आप आएंगे तो आप देखेंगे प्लास्टिक बैग में छोटे छोटे जर्रे हैं, जो गंद है जो फंसा हुआ था उसमें गंद, उसके जर्रे नीचे आते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आधे घंटे बाद मैंने उतार दिया है ये शॉपर, और मेरा थोड़ा सा लीक कर रहा था इसलिए पानी इसमें कम हो गया, थोड़ा थोड़ा गिरता रहा है, जो कि मैंने बाद में देखा था ना। तो ये देखें, अब आप फर्क देखें। शुरू में जब आपने मेरा शॉवर देखा था तो कितना ज़्यादा उसमें डर्ट था, और अब देखिए कितना साफ हुआ है।